नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा तो हम आज बात करने वाले हैं आरटी के अंदर जो एडमिशन चल रहे हैं प्री प्राइमरी और प्रथम क्लास के विद्यार्थियों का। तो हम इसके अंदर जानेंगे कि कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल हैं इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए, ओके, और क्या क्या उनके पास दस्तावेज होना चाहिए, क्या उनके एज होनी चाहिए, क्या प्रक्रिया होगी, कब से स्टार्ट है, वो हम सब पूरी बातें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैंडिडेट की एज कितनी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट की एज यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए प्री प्राइमरी के अंदर यहाँ पे 3 वर्ष से 4 वर्ष से कम होनी चाहिए और 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और प्रथम क्लास के अंदर 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए परंतु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए, वही विद्यार्थी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे एडमिशन लेने के लिए, ओके। दूसरी बात करते हैं कि विद्यालय में प्रवेश हेतु बालक बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु वर्ष 31 जुलाई 2024 को पूर्ण होनी चाहिए। ये तारीख है उसको मतलब जिसमें भी आप एडमिशन ले रहे हो उसके तहत ये जुलाई को मान्य रखते हुए कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी वह विद्यार्थी एडमिशन ले पाएगा, ओके। दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि जो प्रवेश के लिए मूल निवास होना जरूरी है, तो मूल निवास के अंदर अगर कैंडिडेट के पास मूल निवास नहीं है तो क्या करे, ओके, फिर तो फॉर्म नहीं भर सकता। तो ऐसी बात नहीं है, अगर कैंडिडेट के पास मूल निवास नहीं है बच्चे का तो यहाँ पे राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल जो कि 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए और पानी का बिल भी 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, वह अपने मतलब उनकी जीरोक्स निकाल के वह राजपत्रित अधिकारी है उनसे प्रमाणित करवा के भी वह अपने मतलब फॉर्म लगा सकता है आराम से, वह दस्तावेज लगा के, ओके। अगर कैंडिडेट का एडमिशन करवाने के बाद नंबर आ जाता है कॉलेज स्कूल के अंदर तो वहां पे मतलब वह मूल निवास ओरिजिन लगने वाले हैं तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होने वाला, ओके। तो वह एडमिशन करवाने के बाद जस्ट ऑनलाइन करवा लेना है जो भी विद्यार्थी है उसका, ओके। और जो मतलब यहाँ पे जो दुर्बल वर्ग में आते हैं या फिर असुविधाग्रस्त में आते हैं तो वह उनकी जांच होगी, और जांच होने के बाद जांच कौन करेगा, यहाँ पे रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक मतलब जो केंद्र होते हैं उनके द्वारा जांच होगी वो जो भी फॉर्म है उसके ऊपर, और जो रिपोर्ट दे देंगे वो फाइनल, तो वह उस रिपोर्ट से आराम से अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, ओके। और दोस्तों यहाँ पे मतलब कैंडिडेट के पास जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है, तो उसके लिए दोस्तों अगर आपके पास अस्पताल का कोई मतलब अस्पताल द्वारा कोई पत्र आपके पास, ओके, ये जो जन्म प्रमाण पत्र का सबूत देता हो या फिर आंगनबाड़ी का हो या फिर आधार कार्ड हो तो उससे भी आप आपका फॉर्म भरवा सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर मान लो आपने फॉर्म भरवा दिया और जो फॉर्म के अंदर आपने डेट लगाई है, ओके, एज लगाई है, जो भी एज है कैंडिडेट की वो एज आपके आधार कार्ड के अंदर रखी गई है, आधार कार्ड मान लो, आंगनबाड़ी मान लो, जो भी है उसके अनुसार आपका जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, तभी आप एडमिशन आने मतलब एडमिशन के अंदर लिस्ट में नाम हो जाने के बाद आप फाइनल एडमिशन ले पाएंगे, ओके। ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन यानी कि जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आए थे वो 2 अप्रैल को आ गए थे, लेकिन एडमिशन यहाँ पे आपका 3 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलने वाला है, तो आप आराम से एडमिशन भरवा लीजिएगा। जो भी मतलब कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और जो मतलब आप उसके अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट आपको क्लियर करके ही एडमिशन भरवाना है, ओके। दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरह से लिस्ट निकलेगी, तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो मतलब ऑनलाइन लॉटरी निकलने वाली है वो दोस्तों यहाँ पे आपका राज्य स्तर से निकलेगी जो कि 23 अप्रैल को निकलने वाली है, राज्य स्तर पर NNIC द्वारा निकाली जाएगी, ओके। और जो दूसरे अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो कौन करेगा, विद्यालय में चयन क्रम को बदलाव के लिए अभिभावक करेगा, जो भी कैंडिडेट का पिता या फिर जो भी अभिभावक है उसके द्वारा किया जाएगा, वो 23 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल तक किया जाना है। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच करना तो कौन करेगा, वह गैर संस्था यानी कि जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो करेगी, 23 अप्रैल से 6 मई तक करने वाली है। अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन तो 23 अप्रैल 2024 से 12 मई तक होना है, वो अभिभावक ही करना है अभिभावक को, तो वो बार बार अब जो भी पोर्टल है उसको चेक करते रहिए, चेक करवाते रहिए, विद्यालय से संपर्क रखे अपना, ओके। विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने बालक द्वारा दस्तावेज रीअपलोड नहीं करने पर अभिभावक द्वारा संशोधित किए जाने पर CVO द्वारा जांच तो कौन करेगा, CVO द्वारा जांच होगी, और वह कब होगी, 23 अप्रैल 17 मई तक होने वाली है। से समस्त आवेदन ऑटो वेरीफाई होंगे, ऑटो वेरीफाई कहाँ से होगी, राज्य स्तर पर NIC द्वारा होगा, 20 मई को होना है, ओके। यहाँ पे बात करते हैं पोर्टल द्वारा उपलब्ध RT सीट पर चयन, प्रथम जो लिस्ट निकलने वाली है वो 21 मई से 26 जुलाई तक राज्य स्तर पर निकलेगी, और जो दूसरी लिस्ट है वो आपकी 26 जुलाई से मतलब यहाँ पे 16 अगस्त को निकलेगी, वो भी राज्य स्तर पर,
और जो फाइनल लिस्ट है वो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक निकलने वाली है, वो भी राज्य स्तर पर निकलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक कोई भी मिस्टेक आ रही है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो यहाँ पे दुर्बल वर्ग में आते हैं ओके, या असुविधाग्रस्त समूह से आते हैं, उनके लिए ये फॉर्म रखा गया है। वह फॉर्म आपको आराम से मिल जाएगा नोटिफिकेशन में। अगर नहीं मिलता है इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो नीचे, मैं ये वीडियो के जरिए आपको मैं ये मतलब जो फॉर्म है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। कैसे करवाना है वो मैं आपको लिंक में जहाँ पे आप कमेंट करोगे कमेंट बॉक्स में, वहां पे मैं आपको सूचना दे दूंगा। ये दूसरा ये है, ये फॉर्म भी आपको मतलब देख लेना है, वहां पे मिलेगा आपको जहाँ पे नोटिफिकेशन पे आप डाउनलोड करते हो। तो दोस्तों मैंने मेन मेन टॉपिक यहाँ पे पूरी नोटिफिकेशन में से बता दिया गया है। अगर आपको इनमें से अदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं 100% उसका सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।